नारद, कलयुग में सबसे श्रेष्ठ फलदाता एक ही साधन है और वह है श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन। उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान, उनका पठन, उनका श्रवण, ये तत्काल मोक्ष देने वाले साधन है। कलयुग के आदिकाल में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से जब राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई तो सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ था। उनका संशय दूर करने के लिए सत्यलोक में मैंने तराजू बांधकर मुक्ति के सब साधनों को तौला था। उस तौल में अन्य सभी साधन हल्के पड़ गए थे। अपने महत्व के कारण केवल भागवत ही सबसे भारी रहा। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र के द्वारा श्री कृष्ण भगवान की लीला अमृत पान करने को मिलता है। यह भागवत रूपी कथा जिसके द्वारा श्री कृष्ण भक्ति की अमर गंगा समस्त लोकों में बह रही है, यही कथा परम सत्य व महान सत्य कर्म और परम साधन है। वत्स, तुम इस समय हिमालय के मध्य में स्थित बद्री का आश्रम की ओर प्रस्थान करो। वहां प्रभु के शब्द विग्रह ओंकार का ध्यान करने से तुम्हें उनके दर्शन होंगे, जो उस महान साधन का अनुष्ठान करेंगे जिससे भक्ति और उसके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। यो आज्ञा प्रभु। श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के श्री चरणों में आपके छोटे भाई नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हे देवर्षि, आपका कल्याण हो। हम आपकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो क्या इच्छा है? प्रभु, सबसे पहले मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि हरि चरणों में मेरी भक्ति अचल रहे। हे नारद, आप तो स्वयं मूर्तिमान भक्ति ही हो। केवल आपका नाम लेने से ही प्राणी मात्र के मन में भक्ति जागृत हो जाती है और यूं भी आप पर प्रभु की विशेष कृपा है, सो आपके हृदय में भक्ति का दीप सदा जागृत रहेगा और आप उसका प्रकाश तीनों लोकों में फैलाते रहोगे। और कोई इच्छा हो तो कहो। ऐसी घोर तपस्या द्वारा आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक छोटी सी याचना लेकर आया हूँ। कहो। प्रभु, हम पांचों के पिता श्री ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है कि श्रीमद् भागवत की कथा मुझे आपके मुखारविंद से ही प्राप्त होगी, इसलिए यदि आप मुझे उसका अधिकारी समझे तो कृपया उस पतित पावनी कथा का दान मुझे दें। नारद,
नारद, आप अति कुशल याचक हैं। आपने अति सुंदर दान मांगा है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन है। भागवत तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। जो भी इसका श्रवण करता है वो इसमें डूब जाता है। नारद, भक्ति एक ऐसी नदी है जिसके ऊपर से तैरकर कोई दूसरे किनारे नहीं पहुंच सकता। जो इसकी धाराओं में डूब जाता है वही मोक्ष के दूसरे किनारे पहुंच पाता है। और आप जैसे सच्चे भक्त तो ऐसे भी हैं जो भक्ति के सागर में एक बार डूबने के पश्चात उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उन्हें मोक्ष रूपी किनारे की इच्छा भी नहीं रहती है, फिर भी भक्तों को लोक कल्याण की इच्छा रहती है। इसीलिए तो आपने संसारियों के कल्याण के लिए ही इस कथा को सुनाने की प्रार्थना की है। हे नारद, यत्फलम नास्ति तपसा नयोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशौ कीर्तनात्। अर्थात सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जो फल कठिन तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल हरि कीर्तन के द्वारा सहज ही प्राप्त हो सकता है। हे भक्तराज, इस बात को तो आप भी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आप भक्ति के दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य की सहायता के लिए हमारे पास आए हैं। उनकी सहायता केवल भागवत के द्वारा हो सकती है। श्रीमद् भागवत सुनते ही वो तीनों तरुण हो जाएंगे। इसलिए हे नारद, आप गंगा के किनारे हरिद्वार के निकट आनंद घाट पर भागवत कथा का अनुष्ठान करें। हम संसार के कल्याणार्थ वहां आपको ये कथा अवश्य सुनाएंगे। कुमारों ने भागवत कहना प्रारंभ किया। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। कल्याणी श्री कृष्ण कथा का अमृत सबको बांट दिया। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। तेजोमय मुख भाव पूर्ण वाणी ने सबको कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। भक्ति ज्ञान वैराग्य जगे जब श्री हरि नाम का अमृत पिया। कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे, कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। उपनिषदों और छहों शास्त्रों का सार है जो मनुष्य के सारे जीवन को प्रभावित करता है। हे महाभाग सूत जी, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है जिससे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। हम सबका विश्वास है कि हमारी इस यज्ञ भूमि नैमिषारण्य में आपका आगमन भगवत इच्छा के इसी कारण हुआ है कि हम भी आपके मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की वही कथा सुने जिससे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। कृपया हमें भी वही कथा अवश्य सुनाइए। महर्षि शौनिक और समस्त ऋषिजन, आपने साधारण संसारियों का कल्याण करने के लिए ही श्री कृष्ण लीला की यह कथा सुनने का आग्रह किया है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का वो निष्कर्ष सुनाता हूं जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। शौनिक जी, राज्य को चोर और लुटेरे नष्ट कर देते हैं। तुमने ये सब सोचे बिना श्राप देकर यह सिद्ध कर दिया है कि कच्ची बुद्धि वाले को अधिक शक्ति नहीं।